चार मिस्र पेश करता हूँ, अल्लाह करे आपको पूरी तरह से कनेक्ट कर लूँ। पेश करता हूँ, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। कह रहे आदिल भाई, हाशिम भाई कसम से, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। शायरी सुनाने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। अगर मैंने कहीं से शायरी की हो तो शौरा इकराम से तवज्जो चाहता हूं। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं जय भाई आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। जब मैं हाजिर हुआ तो मेरे यहां मेरे अजीज दोस्त मिले, उन्होंने मुझसे कहा हाशिम भाई ईद मुबारक। आप तो मैंने फौरन से कहा कि ईद वीद क्या है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, आने वाले वक्त में क्या होना है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते कि मेरे साथ आगे आने वाले वक्त। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जितना बड़ा नुकसान मेरा हो चुका है शायद अब नहीं हो सकता। अभी 7-8 महीने पहले मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। मैं अर्ज सिर्फ इतना कर दूं, जब वो इस दुनिया में थी तो अक्सर वालिद साहब का फोन आता था, रो वालिद साहब पूछा करते थे बेटा कल कहाँ जाओगे, तो पता था कल मुंबई जाऊंगा। फिर फोन आता कल कहाँ जाओगे, कल कलकत्ता जाऊंगा। फिर फोन आता कल कहाँ जाओगे, कल हरियाणा जाऊंगा। कभी कभी वालिदा से बात होती थी, मेजर भाई वो कभी नहीं कहती थी कल कहाँ जाओगे, वो कहती थी घर कब आओगे। आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं खास तौर से जो हजरत कुर्सी पर बैठे हैं उनसे दुआएं चाहता हूँ। चार मिसरे पेश करता हूँ। ये दौलत थोड़ा सा आपको चेंज करता हूँ, ये दौलत भी अजब शे है हमें मगरूर करती है। आप बदलने की कोशिश करना, मेरा साथ देना। ये दौलत भी अजब शे है हमें मगरूर करती है, किसी के पास करती है किसी से दूर, किसी से दूर करती है। मैं सलाम अर्ज करता हूं जो साथ पीछे बैठे हैं, वो जुड़ गए। पेश करता हूं, और मुझे नौजवानों तुम पर पूरा भरोसा है कि आप इस उनवान की हिफाजत करेंगे। ये दौलत भी अजब शे है हमें मगरूर करती है, किसी के पास करती है किसी से दूर करती है। सभी खुश है मेरे पर्दे सुमें दौलत कमाने से, सभी खुश है मेरे पर्दे सुमें दौलत कमाने से, मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर मंजूर करती। मैंने कभी ये भी कहा था कि जिंदगी, जी मैं आपका हुक्म पेश करता हूं, ये दौलत भी अजब शे है हमें मगरूर करती है, किसी के पास करती है किसी से दूर करती है। सभी खुश है मेरे पर्दे सुमें दौलत
कमालपुर वालों, मैंने कभी ये भी कहा था कि जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है, जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है। मैंने खुशियों में भी आंखों में नमी पाई है, जब बटन शर्ट का टूटा तो उसी दम मुझको माँ मुझे आज तेरी याद बहुत आई है। पेश करता हूँ एक चंद शेर का मुझे हुक्म है, मैं वो आप तक पहुंचाता हूँ, उससे कबल मुझे इजाजत दे एक मतलब चंद शेर की इजाजत पेश करता, सुनेगा इजाजत आता सुनेगा। हालात मेरे शहर के ये बोल रहे हैं, अल्लाह करे सभी हजरत कनेक्ट हो जाएं, सुनेगा पेश करता हूँ। हालात मेरे मुल्क के ये बोल रहे हैं, हालात मेरे शहर के ये बोल रहे हैं, हालात मेरे शहर के ये बोल रहे हैं, रहबर ही मेरे जहर यहाँ घोल रहे हैं, रहबर ही मेरे जहर यहाँ घोल रहे हैं, रहबर ही मेरे जहर यहाँ घोल रहे हैं। सलाम आपकी समातों को सलाम, आपने जुड़कर सुना। मैं शेर पेश करता हूं, मुशीर भाई जहां भी तशरीफ रखते हो, अगर मैं यूं कहूं कि मुझे मुशीर भाई की मोहब्बत क्या, उनका खौफ ले आया, उन्होंने इतने ज्यादा मुझे फोन कर, अगर इतना पेमेंट मेरे लिफाफे में बढ़ाए तो मेरा फायदा हो जाता। एक शेर पेश करता हूं उनके हवाले से, अगर बात आप मेरे शेर का किरदार हो तो कोई खामोश ना बैठे, पेश करता हूं। हालात मेरे मुल्क के ये बोल रहे हैं, रहबर ही मेरे जहर यहाँ घोल रहे हैं, तू समझे न समझे हमें, शेर आपका है, तू समझे न समझे हमें इस दौर में तो क्या, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमको मुसलमान वोट की जरूरत ही नहीं है, बुरके भी वही सिलवा रहे हैं। शेर पेश करता हूं, सुनेगा मेरे शेर के किरदार आप हैं, यहां से आपको मैंने जो शुरू में जो कुछ किया सिर्फ आप, अल्लाह करे आप मुझसे जुड़ जाएं, आप जुड़ गए, मैं सुनाने की कोशिश करता हूं, सुनेगा। हालात मेरे मुल्क के ये बोल रहे हैं, रहबर ही मेरे जहर यहाँ घोल रहे हैं, सुनेगा बतौर खास, रहबर ही मेरे जहर यहाँ घोल रहे हैं, तू समझे न समझे हमें इस दौर में तो क्या, तू समझे न समझे हमें इस दौर में तो क्या, तू समझे न समझे हमें इस दौर में तो क्या, हम वो हैं जो हर दौर में अनमोल रहे हैं, हम वो हैं जो हर दौर में अनमोल रहे हैं, हम वो हैं जो हर दौर में अनमोल रहे हैं, हम वो हैं जो हर दौर में अनमोल रहे हैं, हम वो हैं जो हर दौर में अनमोल रहे हैं। शहदर भाई एक शेर पेश करता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, सुनेगा। हम वो हैं जो हर दौर, वो लोग बचेंगे न कभी तेरे खुदा से, मुझे बताना कि मैं कमालपुर में खड़ा हूं, वो लोग बचेंगे न कभी तेरे खुदा से, वो लोग बचेंगे न कभी तेरे खुदा से, जो लोग यहां जान के कम तोल रहे हैं, जो लोग यहां जान के कम तोल रहे हैं, जो लोग यहां जान के कम तोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे बताना कि मैं कमालपुर में खड़ा हूं, तो इन्होंने सोचा खड़े होकर ही बताया जा सकता है। जी नहीं, नजर में आवे ना आवे, मैं तो आ ही रहा हूं। हम वो हैं जो हर दौर में अनमोल। एक मुशायरे के स्पॉन्सर थे लॉरेंस एकेडमी, हम शुक्रिया अदा करते हैं शायर जनाब आदिल रशीद साहब और शायर फहीम कमालपुरी का, जिनकी दावत पर हम कमालपुर बुलंदशहर यूपी पहुंचे और इस मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया। ये मुशायरा आज का तारीखी मुशायरा पूरी दुनिया में rockytalkmedia.com के हवाले से लाइव दिखाया जा रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कमालपुर ऑल इंडिया मुशायरा कमेटी के सभी अहदेदारान का, जिनकी कोशिशों से मुशायरा अमल में आया, खासतौर पे
जनाब शानू चौधरी साहब, जनाब मुशीर आलम साहब, जनाब नईम अख्तर साहब, जनाब मोहम्मद हारिस, जनाब मोहम्मद मोहतशिम, जनाब मोहम्मद फईम आलम और जनाब नेताजी जुबैर। प्रोड्यूसर एडिटर शफी खान, कैमरा पर्सन सैयद महबूब हसन। और मुशारे देखना हो तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉगिन कर सकते हैं।